सो गाइस आज है तारीख 16। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि माइलेज के रिगार्डिंग वीडियो बनने वाला है कि माइलेज कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वो सारे पॉइंट्स मैं अभी जो मैं टैंक फुल करवाऊंगा उस वक्त फॉलो करूंगा, और वो सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो खुद मैं फॉलो करके इसकी माइलेज 50 तक करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो अभी जो रिज़र्व में पिछले 4 दिन से चल रही है, मैं इसको अभी यहाँ पे इसका टैंक फुल करवाऊँगा। 15 दिन आई थिंक खींच लेती है मेरी गाड़ी फुल टैंक में। तो अभी जब ये टैंक फुल होगा फिर मैं सारे पॉइंट्स फॉलो करूँगा और फिर देखेंगे कि कितना माइलेज आता है। तो अभी का जो माइलेज है वो मैं आई थिंक इंस्टाग्राम में एज अ पोस्ट डाल दूंगा। सो लेट्स सी। केमचो काका करो फुल करो, स्लिप चाहिए मेरे को इसमें से ऊपर से आराम से। मावा था सब बंदे चबा के रहे हो कहाँ से जुगाड़ किया? चलो बढ़िया है, गांव में तो बंद नहीं होगा। नहीं यहाँ तो जो खाने वाले हैं उनका तो जीना हराम हो गया है। बस बराबर परफेक्ट परफेक्ट ऑलमोस्ट 10 लीटर नहीं 10.5 है। स्लिप निकाल देना भैया, साइड में करता हूँ। देखते हैं माइलेज कितनी आती है इस बार। बट जैसे कि मैंने बोला ये स्टोरी में जाएगा ऑब्वियसली माइलेज के पॉइंट्स, और हमारा जो माइलेज का वीडियो आया है पिछले वीक उसको फॉलो नहीं किया, तो उसको फॉलो करके मैं फिर माइलेज निकालूंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ। चलो स्लिप भी आ गया अपने पास, उसको बिना यूज़ किए भी 48 निकला है राइट। अभी करेंटली वो मैंने वीडियो डाला नहीं है राइट, बट मैं भी कल या परसों डालने वाला हूँ, और अगली बार जब मैं टैंक फुल करवाऊँगा तो उस दौरान मैं वो सारे टिप्स फॉलो करूँगा और कोशिश करेंगे कि अराउंड 50+ की माइलेज जाए। तो अभी हमारे हाथ में तो है नहीं बट कोशिश ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल मेरे को 48 का दिया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 48 का माइलेज दिया है। ये बंद है क्या आज? हाँ शबीर चेक करना ना एक बार, हवा लीकेज तो नहीं है? अरे पुलिस एकेडमी में है 3-4 मेरे दोस्त लोग भर्ती, उनकी ट्रेनिंग चालू है तो उनके एक्सेस करता हूँ, बुलाते हैं हर वक्त। तो जाने कैसे? हाँ क्या गरीब आदमी क्या ऐसे मजाक कर रहे हैं मेरा, है मजाक उड़ा रहा है। कितना है शबीर? हाँ 35 34 कर दे। मैं बोल रहा था कि पंचर कराने के बाद देखूं कहीं और कुछ कंफर्म हो जाए ना, दिल को वो तसल्ली हो जाए ना कि भाई और कहीं नहीं है। हाँ तो बस वही मैं देख रहा था कि कहीं और कहीं ना हो, एक बार आगे भी देख लेना। ये कहाँ गया, छुट्टी पे गया है क्या? ये पेट्रोल वाला पंप देखना भाई तुम लोग भी। ये मौसम बदल रहा है, सबकी हो रही है तबीयत खराब। इसमें कितना? इसमें 30। नहीं नहीं 25 करो ना भैया, 25 करो। चलो थैंक यू यार, टाइट कर देना यार बस। चलो थैंक यू थैंक यू। अरे 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 मैं इतना रेव कर रहा हूँ, रेव नहीं करना है भाई। अभी मुझे याद आया मेरे को प्रॉपर टिप्स फॉलो करने हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो भी आ जाएगा। अभी मैंने जस्ट चेक करना था कि मेक श्योर करना था कि और कोई पंचर और कहीं से लीकेज ना हो, इसलिए मैंने एक दिन के बाद ही मैंने वापस अपना जो भी फ्रंट और रियर टायर का था मैंने प्रेशर चेक करवा दिया। अगर आपको जानना है कि मैं कब कब करवाता हूँ तो मैं एवरी 10 डेज करवा लेता हूँ। तो मैं भी साइड में गाड़ी खड़ी करता हूँ, ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, अब डायरेक्टली मैं रिकॉर्ड करूँगा इस वाले वीडियो को जब मैं वापस टैंक को एग्जॉस्ट करूँगा राइट। तो तब हम लोग इसकी माइलेज निकालेंगे मैक्सिमम माइलेज। तो मुझे याद रखना है कि मेरे को गाड़ी स्लो चलानी है और सारे टिप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ से फिलहाल मेरे घर के पास में ये पेट्रोल पंप, यहाँ पे फिल करवाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है।
ओके, तो मैंने यहाँ से पेट्रोल नहीं भरवाया क्योंकि इन भाई के पास रिसीट नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल तो भर देगा वो, बट इनके यहाँ पे ऑटोमेटेड जो रिसीट जनरेट होता है वो नहीं हो पाएगा। सो गाइस 15 दिन तो नहीं बट ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया है, और ये एक महीने में काफ़ी कुछ हो गया है। मुझे कोरोना हो गया है, मैं कोरोना से रिकवर हो गया हूँ। वो अलग बात है कि 2-3 बार टेस्ट करवाया है बट एक बार भी पॉजिटिव नहीं आया, बट सिम्टम्स पूरे कोरोना के थे। मैं बेड रेस्ट पे था, बुरी हालत थी। तो 15 दिन का होता है कि मैं हर 15 डेज पे टैंक फुल कराता हूँ, माइलेज चेक करवाता हूँ जो भी है। बट अभी 15 दिन से ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है, एक महीने से ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं अभी फुल टैंक करवाने आया हूँ और माइलेज टेस्ट करेंगे। ऑनेस्टली बताऊँ तो एक्चुअली मैंने कोई मतलब ज़्यादा ऑफिस मेरा बंद था, तो छोटे मोटे ट्रिप्स होते थे कि यहाँ से कुछ सामान ले आए, वहाँ से कुछ सामान ले आए, बीच में मैंने चेन क्लीन किया। तो आई डोंट, मुझे लग रहा है कि इतना कुछ खास माइलेज नहीं आएगा, क्योंकि माइलेज तब अच्छा आता है जब आप तुम्हारा लॉन्ग जर्नी होता है, हाईवेज पर जर्नी होता है, सिटी राइड्स होते हैं। बट ये तो क्या है, छोटे छोटे राइड्स थे तो इतना, पर लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ से लेफ्ट पे एक SR का पेट्रोल काफ़ी पास में है, लाइक 100 मीटर ही है यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं ऑफिस जाऊँ और रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए, क्योंकि रिजर्व में चल रही है 5 दिन से। तो मैं SR वाले से ही फिलहाल टैंक फुल करवा लेता हूँ, देखते हैं कि SR वाला कितना ढंग की मतलब माइलेज देगा आगे जाके। तो अभी यहाँ पे फटाफट एक काम करते हैं, टैंक फुल करवाते हैं और फिर इसकी माइलेज निकालते हैं। गाइस ये रही स्लिप जो अभी हमने पेट्रोल भरा है, देख लेते हैं गाड़ी कितना चली है। फिलहाल जो लास्ट टाइम जो फुल करवाया था और अभी जो चली है गाड़ी, विच इज़ 435 किलोमीटर्स। जैसे कि जो आपको ये दो बटन्स दिख रहे हैं, राइट वाला जो है दैट इज़ सेट, लेफ्ट वाला जो है दैट इज़ मोड। राइट वाले बटन से आप चीज़ों को जीरो करोगे, रिसेट करोगे, और लेफ्ट वाले बटन से आप चेंज करोगे। तो आप देख सकते हो चेंज करने पे 6,800 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 100 के ऊपर थोड़ा सा मैंने स्पीड किया हुआ है। इसके अलावा ट्रिप 1 आता है, ट्रिप 2 आता है, एंड 0 to 60 आता है। और पेट्रोल हमने ऑलमोस्ट 9.47 का भरवा दिया है, एंड इसके अलावा अब अगर प्राइस देखो तो 90 रुपये ऑलमोस्ट छू गया है। तो अभी जो हमने माइलेज निकाला है इट्स नियर बाई 46। ये ग्लव्स मुझे पहने हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं पिछले 2-3 महीने से इस ग्लव्स को डेली बेस पे पहन रहा हूँ। तो मान के चलो कि मतलब तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस राइनॉक्स का एक छोटा सा रिव्यू करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई वॉज प्रीटी मच एक्सपेक्टिंग इतना ही मतलब आसपास का, कि ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली मैंने जैसे पहले बताया कि इतने लॉन्ग राइड्स नहीं थे ऑफिस के। बट मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो हम अपनी अपाचे से अच्छी माइलेज निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी मैं निकलता हूँ। मैंने सोच लिया है कि 50 की माइलेज निकाल के दिखानी है खुद को भी और आप लोगों को भी। तो मैं फिर से एक और माइलेज टेस्ट करूँगा जो मैं नेक्स्ट टाइम फुल टैंक करवाऊँगा। बट यहाँ पे मैं एक्चुअली रिसेट करना भूल गया, तो मुझे रिसेट भी करना है अभी। तो मैं अभी रिसेट कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ ट्रिप वन जो मैं रखता हूँ माइलेज के लिए, वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ कि अगली बार जब मैं फुल करवाऊँगा जितना लीटर जाएगा उसको मैं उससे डिवाइड कर दूँगा।